हेलो दोस्तों, रोहन राय जो दिशा सालियन के 6 साल से बॉयफ्रेंड थे वो अभी लापता है। उनका फोन नंबर चेंज हो चुका है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो अभी बैंगलोर चले गए हैं। रोहन अभी सीबीआई के रडार में फंस चुके हैं और सीबीआई उनकी तलाश कर रहे हैं। रोहन राय दिशा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। अगर वो दिशा के साथ ट्रूली प्यार करते थे तो 8 जून को जब 14th फ्लोर से दिशा को ढकेला गया और वो 20-25 मिनट तक नीचे पड़ी हुई थी, तब रोहन क्या कर रहे थे? 9th जून को दिशा का बॉडी जलाया गया था और 11th जून को उनका पोस्टमार्टम हुआ था। ये कैसे हो सकता है? दिशा सालियन का पोस्टमार्टम हुआ था बोरीवली के भगवती हॉस्पिटल में और सारे डॉक्टर्स अभी मिसिंग हैं। और एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिशा सालियन के मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको 2 बार चेंज किया गया है। रोहन राय, जिनको इनेगा बोल के एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी ने हायर किया था, वो मुंबई आए थे एक्टर बनने, तो वो अभी लापता क्यों है? इसके 2 रीजन्स हो सकते हैं। पहला रीजन ये कि वो डरे हुए हैं और दूसरा रीजन ये कि वो दिशा के मर्डर में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया है और मैं आप लोगों का भी मेरा जो एनालिसिस है वो बता रहा हूं। दोस्तों, 8 जून को जुहू में एक पार्टी हुई थी जहां पे 5 लोग थे, 2 एक्टर्स, एक बिल्डर शौविक चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे। उस पार्टी में दिशा को बुलाया गया था और वहां पे दिशा के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो हम लोगों को अभी भी पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को इतना पता है कि दिशा पार्टी छोड़ के चली गई थी और उन्होंने सुशांत को भी कॉल किया था। अब जुहू जहाँ पे पार्टी हुई थी और मलाड जहाँ पे दिशा सालियन का घर था, उन दोनों में डिस्टेंस था करीबन 15 किलोमीटर। तो पार्टी छोड़ के मलाड जाते वक्त दिशा ने सुशांत को कॉल किया था और सुशांत ने ये इन्फॉर्मेशन 2 लोगों को बताया था, एक है संदीप सिंह और दूसरी है रिया चक्रवर्ती। संदीप सिंह जो रोहन राय के भी दोस्त है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, उन्होंने रोहन को बोला होगा कि जितनी जल्दी हो सके दिशा को मार डालो ताकि जो राज है वो दिशा किसी को ना बता पाए। रोहन और दिशा का जो रिलेशनशिप है वो भी काफी सालों से अच्छा नहीं चल रहा था और संदीप के कहने पे प्रेशर में आके रोहन ने दिशा को 14th फ्लोर से ढकेल के बेरहमी से मार डाला। दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज हो सकती है, जब दिशा जुहू वाले पार्टी से निकल के मलाड जा रही थी तब आदित्य ठाकरे उनके गुंडों को भेजे दिशा को मारने के लिए, और वो जो गुंडे हैं वो दिशा को चेस करते करते जुहू से मलाड वाले फ्लैट तक पहुंचे और उसके बाद उन गुंडों ने दिशा का खात्मा कर दिया। तो दोनों केसेस में ही रोहन राय को पता है कि दिशा का मर्डर किसने किया। तो अभी रोहन राय का पकड़े जाना बहुत जरूरी है, बहुत अहम है सुशांत के केस के लिए। और अगर रोहन राय नहीं मिल रहे हैं तो अभी पकड़ना चाहिए इंद्रनील वैद्य को। कौन है ये इंद्रनील वैद्य? इंद्रनील वैद्य रोहन और दिशा के बहुत ही करीबी दोस्त है। मैंने जब इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया तब मुझे ये पता चला कि ये इंद्रनील वैद्य दिशा सालियन और रोहन राय के बहुत ही करीबी दोस्त है। लास्ट ईयर दिवाली में भी इन दोनों ने इंद्रनील के साथ काफ़ी सारे फोटोज इंस्टाग्राम में पोस्ट किए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इंद्रनील वैद्य के साथ दिशा का अलग इंस्टाग्राम पोस्ट भी है और रोहन राय ने भी काफ़ी सारे पोस्ट दिए हैं इसी सेम इंद्रनील वैद्य के साथ। तो अगर इंद्रनील को पकड़ा जाए तो दिशा के मर्डर के बारे में और अभी रोहन कहाँ पे है उसके बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल सकते हैं और हम लोगों को सुशांत के असली कातिल के बारे में भी पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग इतना तो श्योर है कि सुशांत और दिशा के कातिल एक ही हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए और आपके क्या विचार हैं मेरे कॉमेंट सेक्शन पर मैंशन कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।